चश्मा पहन, हाँ ऊपर 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 ऐसे रुक जाए ऐसे। ऐसे देख, ऐसे पहनते हैं, टूट जाएगा, जोर से मत करना, ऐसे ऐसे ये। अब तेरी बारी, ले अब तू पहन के दिखा। तो मैं पहुंचा था शाम को घर, और शाम को भतीजे के साथ मस्ती करने के बाद हम सुबह उठ गए। ये देखिए सुबह उठ के देखो नाश्ता चल रहा है भतीजे का हमारे, वो रोटी अपने आप खा लेता है। अब मतलब खाने को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे बहुत चीज़ें नहीं खा रहे ना, लेकिन उसको खाने को मिल जाए तो बस वो देखता नहीं मतलब क्या करके, रोटी सब्जी सब खा लेता है, बहुत चावल अब अपने हाथ से खाता है। लेकिन एक चीज़ है, ये सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देता है। तब मम्मी मम्मी इसे खिला रही थी अभी, ये देखो अपने आप खाएगा सब रोटी सब्जी। तो दिवाली है तो घर में लाइटों की सजावट हो चुकी है, देखिए जो तो उसमें देखा था नाइट में किस तरह की लाइटिंग होगी, लेकिन अभी सुबह का नज़ारा है, तो सुबह हो चुकी है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है नल से, और ये जो खेत आप देख रहे होंगे नीचे ये सब बुआई हो चुकी है। तो हमारा जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, चंपावत मार्केट से काफ़ी दूर है, जंगल के करीब है, और यहाँ पे जो है हरियाली काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो मॉर्निंग है हमारी, वो हमारी जो मॉर्निंग है वो चिड़ियों के चहचहाट से शुरू होती है, और चहचहाट के साथ ही जो है शाम। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखो सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं, और अभी यहाँ सनराइज़ हो रहा है, सनराइज़ हो गया था लेकिन धूप हमारे यहाँ लेट में पहुँचती है, 8 बजे लगभग पहुँचती है, क्योंकि अभी पहाड़ों में जो ठंडियों का सीजन है, अब यहाँ ठंडी होने लगी है, ओस काफ़ी ज़्यादा गिरने लगी है, और इसी वजह से जो है धूप थोड़ा सा लेट आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक कुर्म चोटी है, रणतेश्वर मंदिर बोलते हैं, उसकी चोटी लग के हमारी तरफ ये जो धूप है थोड़ा सा लेट पहुँचती है। तो इसका मेन कारण ये भी है, धूप लेट से पहुँचना, और थोड़ा सा हम जो है जो यहाँ से मेन मार्केट है चंपा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, और यहाँ से चंपावत का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसी वजह से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो आपको दिखा दे यहाँ से चंपावत कितनी दूर है और कैसा अभी का जो मौसम है वो है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है चंपावत मार्केट, और उससे जुड़ा हुआ है ये यहाँ पे हमारा गाँव, हमारे गाँव पर चैकुनीपुरा पर ये वाला मंदिर है, और ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं जो आस्था का केंद्र भी है, और काफ़ी सुंदर भी दूर से भी दिखाई देते हैं। तो एक चीज़ और आप देखना चाहेंगे कि किस तरह के जो है, मैं यहाँ पहाड़ पर रहता हूँ, और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहट के बाद ही जो है नींद खुलती है हर किसी की, क्योंकि जब हल्की सी रोशनी भी आ जाती है तो चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं सुबह सुबह, और इनके चहचहाने से ही जो है हर किसी की नींद खुलती है। तो अभी देखो धीरे धीरे धूप आ रही है, ऊपर पहाड़ से आपको दिखा देता है किस तरीके से धूप आ रही है, ये देखिए यहाँ से सनराइज़ हो रहा है, उस तरफ मार्केट की तरफ पहले धूप आ गई थी, और यहाँ पे अब पहुँच रही है धूप, ये धीरे धीरे आ रही है, देखिए सामने इस तरफ देख रहे होंगे, ये धूप धीरे धीरे आ रही है नीचे को। और जब मैं यहाँ पहुँचा था तो उतना तो ठंडा नहीं था, लेकिन लग नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैं सफ़र करके आया था, और दिल्ली और यहाँ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ठंडी का। तो अभी का जो 2 दिन का मेरा काम हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो खेत है इनमें गेहूं की बुआई कर दी है, ये देखो इनमें गेहूं की बुआई हो चुकी है, ये परसों की थी मैंने, कल ये ऊपर का 1-2 खेत किए थे। देखिए परसों मैंने वो काम किया था, कल गए थे नीचे गांव में जहाँ पे हमने वहाँ गेहूं वगैरह की रोपाई की थी, और अभी आज का और प्रोग्राम है, मैं नीचे गाँव में जाऊँगा, वहाँ पे जो है गेहूँ की रोपाई और करनी है।
काम अभी देखो पटाखे वगैरह जलने लगे, दीपावली की वैसे भी शुरुआत हो चुकी है, आज मेरे ख्याल से लक्ष्मी पूजा का दिन भी है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ और है कि दीपावली में थोड़ा सा जो है फेरबदल हो चुके हैं, कभी एक को बोल लें कभी 31st को बोल लें, तो ये डिफरेंस दोनों में रह रहा है। तो इस वजह से जो है गाँव में भी थोड़ा सा दीपावली एक को मनाने का प्रोग्राम था, अभी कोई आज बोल रहा है कोई कल बोल रहा है, तो ये दो दिन जो है दीपावली ऐसे ही रहेगी, आज भी मना सकते हैं या कल भी मना सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा है सभी में है कि दो दिनों में कभी भी मना सकते हैं। वैसे भारत में जो भी तीज त्यौहार होते हैं वो पंचांग के ही हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ गत वर्षों में देखने को मिला है कि पंचांग की जो तिथियां होती हैं त्योहारों की तिथियां वो एक या दो दिन ऐसे ही डिफरेंस में होती जा रही है। अब वो पता नहीं किस वजह से हो रही है, लेकिन जो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हैं त्यौहार एक दिन दो दिन ये देखो धीरे धीरे इन चीज़ों में बदलाव हो रहा है। पहले त्यौहार जिस दिन को पंचांग होता था उसी दिन त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन अब पंचांग भी दो तरह के हो गए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा त्यौहार बनाने में डिफरेंस हो गया है। तो पहाड़ों की सुंदरता को मैं संजो के अपने कैमरे में आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो होप कि आपको पसंद आएगा ये व्लॉग। चलो आप भी इंजॉय कीजिए और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम फूल वगैरह तोड़ के मालाएं वगैरह तैयार करेंगे, तो अभी ये देखो हमारे यहाँ पे क्यारी वगैरह है फूलों की और किस तरीके से फूल हैं वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो फूल तो देखिए देखिए, अब आपको दिखाते हैं फ्रूट जो कि हमारे यहाँ पे अभी कीवी की जो फसल है वो तैयार हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से जो हमारे घर की कीवी है जो हमारी फसल है वो काफ़ी छोटी होती है और यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है तो इस वजह से ऐसा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम जाने वाले हैं गांव में नीचे गेहूं रोपाई करने के लिए, तो अभी मैं निकल चुका हूं नीचे गांव में पहुंच चुका हूं तो जो है गेहूँ की रोपाई हुआ। ऐसे अभी ट्रैक्टर बैल वगैरह नहीं है, ट्रैक्टर से ही जो है जुताई वगैरह की जाती है पहले, और गेहूँ की फसल अभी पहाड़ में इसी तरह से हो जाती है। और ऐसे ही पहले की तरह पहले हम जब बैल लेके आते थे तो ऐसे ही खेतों में जो खाना अभी भी हम ऐसे ही लेट हो जाता था, यहीं खेत पे ही खा रहे हैं। देखो जल्दी है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से जो है हम लोग पापा में टूलता हो गया, पापा हो गए, मैं हो गया और भाभी लोग जो है खाना लेके आए थे, तो हम लोग यहीं खेत पे ही खा रहे हैं। तो बहुत पहले जो है दादी हमारी जो है वो कहा करती थी कि भूख मिटी या भोजन मिटा, तो उसका अर्थ जो है अब समझ आता है। और एक और कहावत थी जिसमें वो बोलती थी कि आपकी है या बाप की है वना, जिसमें जो एक कृषक होता है वो अपने पिता के जो बैल होता है वो खेत पे जब नहीं जोताई करते हैं तो उनको बहुत मारता है, तो इस वजह से कोई घरों से निकलता है गुजरता है तो वो पूछता है ये आपके बैल हैं या किसी और के, तो वो बोलते हैं बाप के हैं, तो वो समझ जाता है कि इसी वजह से वो उनकी पिटाई कर रहा है करके। तो दिन भर खेत में जुताई करने के बाद अभी शाम हो चुकी है और लाइटिंग वगैरह घर में काफ़ी अच्छी जल रही है और होप के आपको पसंद आ रहा होगा। और दिवाली है तो एक दो दिन ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वजह से चल रहा था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, आप देख रहे होंगे सनराइज़ हो रहा है और मौसम आज थोड़ा ख़राब है और ये देखें धूप आ चुकी है, तो आज हम माला वाला बनाते हैं। तो चलो आपको बना दिखा देते हैं कि हम माला जो है पहाड़ में किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से जो है पूजा की पूरी तैयारी करते हैं।
अभी मैं सुबह फूल तोड़ रहा हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा किस तरीके से माला जो है वो देवी देवताओं के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, तो मैं माला बना रहा था और तब तक नन्ना उधर गिर गया था, तो पापा जो है उसको डांट रहे और मेरा फूल बनाने का प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। आ जाए दिवाली तो तैयारी चालू है, तो लगभग 12-14 जो है मालाएं घर के उसके लिए और बाकी की जो मालाएं बनेंगी वो मंदिर के लिए बनेंगी। चला रही थी यू किचन। तो पूजा पाठ और पटाखे जलाने के बाद आपको दिखा देते हैं मार्केट प्लेस, जो कि चंपावत का यहाँ से हमारे घर से लोकेशन है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप देख रहे होंगे नाइट का जो विजन होता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो आप इंजॉय कीजिए। तो आज ही नहीं, बचपन से ही जो है मुझे इस तरीके से जो है बहुत पसंद है मार्केट को चमकते हुए देखना। और हम लोग पुराने घर की खिड़की पे बैठ के जो है मार्केट पे जो रोड पटाखे वगैरह लाइटिंग वगैरह होती थी, माला वगैरह गिनते थे और जो रॉकेट वगैरह चलते थे और जो आतिशबाजी होती थी उसको काउंट किया करते थे। तो वो हमारा बचपन से रहता था और अभी भी आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे करते हैं ये देख, रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देख आरती करते हैं अभी अभी। तो फोन पे स्पेस वगैरह ज्यादा नहीं था मेरी उस वजह से, मेरा रोज की जो और दिखाई दी जो ज्यादा भी नहीं रिकॉर्ड करता। तो अभी भैया रोज में जो मम्मी लोग थे सिर्फ ही रहते हैं और दीदी लोग भी आए थे, उन्होंने माल थे बुआ थे माल जो तसल्ली का छपका है ऐसे इतना ये बटन वो नेपाली पिठा दिखा दे पापा को। हाँ, ये। तो त्योहार और चिकन मटन ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो चिकन मटन भी तैयार हो चुका है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो हम इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए दिवाली का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, होप आपको।